गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ. यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड इन मैथ्स चैप्टर नंबर 6, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. यू नो व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स, एंड द the answer was the is called product, है ना. That we have learned. What are the factors of a table? The number which and properties of factor, that one is the least factor of a natural number. कोई भी number का क्या होता है? one वो होता है लीस्ट फैक्टर होता है. एवरी नेचुरल नंबर इज इट्स ओन ग्रेटेस्ट फैक्टर. कोई भी नंबर अपने आप में उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है. जस्ट लाइक 8 ones are 8, 14 ones are 14 and 15 ones are 15. एवरी नेचुरल नंबर हैज़ एटलीस्ट टू फैक्टर. हर नंबर के टू फैक्टर होते ही होते हैं. वन एंड नंबर इट्सेल्फ. एक तो वन होगा और दूसरा वही नंबर खुद से होगा. एवरी फैक्टर अदर देन इट्सेल्फ इज लेस देन गिवन नंबर. और जो फैक्टर होंगे, जैसे 6 के फैक्टर पूछे तो 6 के नीचे जितने भी होंगे 6 से छोटे होंगे. जो भी उसके फैक्टर्स होंगे वो 6 से छोटे होंगे. जस्ट लाइक 1, 2, 3 आर लेस देन 6. ये सब क्या है? 6 से छोटे हैं. इसी तरह 8 हो जाएगा, इसी तरह 9 हो जाएगा. ठीक है. टू चेक वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर और नॉट. एक नंबर दूसरे का हो सकता है कि नहीं. जैसे 2783 डिवाइड बाई 29, सो द आंसर इज 7. हाँ, तो 783 के ये दोनों ही फैक्टर होंगे. ठीक है. द रिमाइंडर इज 0, देयर फोर 27 डिवाइड बाई 29 इज इक्वल टू 27. एंड 29 इज द फैक्टर ऑफ 783. द नंबर 27 ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 783. ठीक है. एग्जाम्पल 3 भी बताया था. इज अ 21 फैक्टर ऑफ 1189? नो, बिकॉज देयर इज रिमाइंडर सम नंबर, सो इट इज नॉट फैक्टर ऑफ 1189. ठीक है. दिस एक्सरसाइजेज हैव बीन डन. नाउ व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ओनली टू डिफरेंट फैक्टर, नेमली 1 एंड इटसेल्फ. 1 उसका फैक्टर होगा और वो नंबर अपने आप में ही फैक्टर होगा, उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा. तो उनको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि नंबर दैट हैव मोर देन टू फैक्टर, टू फैक्टर से ज़्यादा होंगे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. फैक्टर ऑफ 6 इज 1, 2, 3. ठीक है. फैक्टर ऑफ 8 आर 1, 2, 4, 8. फैक्टर ऑफ 9 आर 1, 3, 9. सिंस ईच ऑफ द नंबर 6, 8, 9 हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर द कंपोजिट नंबर्स. ओके. सीव द इराट्रोस्थिस. ठीक है. ये भी कल आपको बता दिया था कैसे होगा. इसमें क्या किया था? सबसे पहले वन को क्रॉस कर दिया था. ठीक है. क्योंकि वन इज नॉट प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर. इन सर्कल टू एंड क्रॉस आउट ऑल ऑफ द मल्टीपल ऑफ टू. क्या किया था? टू को कर दिया था. जैसे 2, 3, 4, 5, 7, क्योंकि 6 के मल्टीपल जो होंगे वो 2 और 3 के भी होंगे. ठीक है. तो वही किया, तो सबको क्रॉस कर दिया. क्रॉस करने के बाद जितने नंबर बच गए वो क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स है. ठीक है. उसी पे बेस एक्सरसाइज 6B यू हैव डन. नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन को हम कैसे समझेंगे? देयर आर सेवरल वेज इन विच अ गिविन नंबर मे बी फैक्टराइज्ड ब्रोकन इन टू हिज फैक्टर.
its factor. The number 60 can be factorized as 60 को आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले 1 की टेबल में आएगा तो 1 into 60, फिर 60 लास्ट में 0 है, that means it is divisible in 2, तो 2 30s are 60, 60 30, 20s are 3, 20s are 60, 4, 4 15 are 60, है ना? 6, 5, 5 12s are 60, 60, 6 10s are 60. Here we all see that in all cases either one factor is prime and other is composite. One prime है और दूसरा composite number है. ये देखिए यहाँ one prime है दूसरा composite. ये भी two जो है ये क्या है prime number है ना ये और 30 composite number है. इसी तरह 3 है prime number 20 composite है. 4 जो है वो फोर वो है आपका फोर भी कंपोसाइट है और 15 भी बट इसमें 5 आपका प्राइम है. ठीक है लेट्स सी और एक तरीका है 60 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60. अब 2 इंटू 30 हाँ इज इक्वल टू 60. तो क्या किया देखिए 2 को तो 2 की तरह उतार लिया. अब 30 का डिवीजन करना है तो 2 इंटू 15 तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. अब 15 का भी डिवाइड कर दिया कैसे 3 इंटू 5. ठीक है दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स. ये सब क्या है प्राइम नंबर्स है 2 इंटू 3 इंटू 5. ये सब प्राइम और कंपोसाइट नंबर पढ़े तो ये प्राइम नंबर है. ठीक है द फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप वेयर ऑल द फैक्टर प्राइम नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. ये सब प्राइम है इसलिए इनको प्राइम फैक्टराइजेशन कह दिया. ठीक है समझ गए ना. अब देखिए 60 को 30 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है तो 2 को वैसे ही उतार लिया और 2 इंटू 15 कर लिया. अब जब 2 इंटू 15 किया तो अब 15 को भी डिवाइड कर सकते हैं ना तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. ये सब क्या है ये सब प्राइम नंबर है सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और किसी 1 की टेबल के अलावा किसी की टेबल में नहीं आते. दीज ऑल आर प्राइम नंबर एंड दिस ऑल आर द फैक्टर्स सो दीज ऑल आर कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. Now start prime factorization by factor tree. Factor tree से कैसे करेंगे? This can be the best depicted of a factor tree under. कैसे? 60. तो सबसे छोटा इसका जो है वो 2 है और सबसे बड़ा 30. उसके number से छोटा 30 है. अब 30 का 3 ले लिया और इधर 10 कर दिया. 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 60. 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60. अब 10 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10. तो 60 का क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5. 2 3s आर 6, 6, 2s are 12, 12, 5s are. देखिए अब क्या किया अब इधर देखते 60, 3 into 10, 20, 2 into 10, 2 into 5. So 3 into 2 into 2 into 5. These all are prime numbers. So this is called prime factorization tree by factor tree. सेम इस तरह किया 6 को फिर 4 से किया फिर 6 को 5 से किया फिर 6 को 6 से किया. तभी भी सब जितने भी आंसर आ रहे हैं दीज ऑल आर प्राइम फैक्टराइजेशन. विच एवर वे द फैक्टराइजेशन इज डन यू कैन सी दैट द प्राइम फैक्टर आर द सेम. किसी तरह भी किया आपने ये देखा कि प्राइम फैक्टर जो थे वो सेम आए. दस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60. ये क्या है 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन. दिस वर्क यू कैन डू इन योर बुक.
प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे होता है देखिए, लेट्स सी। प्राइम फैक्टराइजेशन कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड एज शोन बिलो। 36 टू से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 18, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर जो भी आंसर आया 9 उसको हमने रिमाइंडर को इधर लिख दिया। अब 3 से डिवाइड किया तो 3 3s are 9, तो अब 2 into 2 into 3 into 3 36 आ गया आपका। आप 24 को 2 से किया तो 12 आ गया, फिर 12 को 2 से किया तो 6, देखिए 24 को 2 से किया तो 12 आ गया, ठीक। अब 12 को 2 से किया देन वी विल फाइंड द आंसर 6, 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3, सो 2 into 2 into 2 into 3। लेट सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 40 डिवाइड बाय 2 वी गेट द आंसर 20, 20 डिवाइड बाय 2 वी गेट द आंसर 10, 20 डिवाइड बाय 2 वी गेट द आंसर 5, 2 into 2 into 2 into 5। Okay, the steps to be followed is this method can be summarized as under. कैसे आप इसको summarize कर सकते हैं? Let's see, step 1 में हमने क्या किया? Divide the given number by the smallest prime number. सबसे पहले हम लोग smallest prime number से start करते हैं. Exactly divide it. उसे exactly divide करने के लिए. Divide the क्वेश्चन, फिर जो क्वेश्चन आया हमारे पास फर्दर बाय द प्राइम नंबर, फिर से उसको हमने प्राइम नंबर से किया, एग्जैक्टली डिवाइडेड। एक्सक्यूज मी। स्टेप 3, कंटिन्यू द रिपीटेटेड डिवीजन टिल द रिमाइंडर इज नॉट फर्दर डिविजिबल बाय एनी नंबर। ये देखिए 3 आ गया, अब 3 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता ना। अगर जब तक ऐसा आंसर नहीं मिल जाएगा वी विल कंटिन्यू आर प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। दिस इज क्लास वर्क, डू इन योर बुक। नाउ मल्टीपल्स, यू नो दैट 3 into 2 is equal to 6. The number 3 and 2 are called factors of the number 6 is called product. That is clear. The number 6 is also given another name. It is called the multiple of both 3 and 2. 3 and 2 का ये क्या है? Multiple है. जैसे 6 के factor हैं 3 and 2 और इसी तरह 3 and 2 का multiple क्या हो गया? 6. The product of two whole number is a multiple of each factor. You also know that 2 into 0 is equal to 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 and 2 5s are 10. So, multiple of 2 and 5 is 10. Multiple of 2 into 5 is 10. Multiple of 2 into 4 is 8. Let's see, the product 2, 4, 6, 8, 10 obtained by the multiplying 2, the whole number 1, 2, 3, 4, 5 are called the multiples of 2. ये सब क्या है? 2 के multiples है. If we leave out 0, then 2, 4, 6, 8, 10 are non-zero multiple of 2. Non-zero multiple है 2 के. It is common usage when we are asked to state multiple of any number, we mean the number obtained multiply by the counting number 1, 2, 4, 6. Thus, the multiple of 3 are 1, 3, 2, 3 into 3, 3 into 4, i.e. 3, 6, 9, 4, 12. The multiple of 4 are 4, 8, 12, 16, 20. Multiple of 10 are 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है, now in next video we will continue with the properties of multiplication. Okay children, good day.